अगर आपको रेंट पे ये गाड़ी चाहिए हो तो इसका मैं नंबर भी दे दूंगा आपको यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि इसकी सर्विसेज कैसी लगती हैं मुझे और ये कितनी जगह पे मुझे आज टूर कराता है। तो गबाला का ट्रिप है जी आज, आप ये वीडियो को पूरा देखें तो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये रोटी बनाई जा रही है, ठीक है जी। इसमें ये लाइव कुकिंग हो रही है, वेजिटेबल के साथ ये जो है बना रहे हैं, ज़बरदस्त ग्रीनरी है, ठीक है। ये देखिए लाइटिंग वगैरह भी इन्होंने की हुई है, अगर इनके साथ में आते हैं तो इस तरह ये टेबल बने हुए हैं जी, आप यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाएं, थोड़ा सा देसी माहौल का मज़ा लें, तो ज़बरदस्त है यार। देखो लाइव कुकिंग प्लस दरख्त बने हुए हैं, इनके नीचे आप बैठो, खाना खाओ, लोकल फूड इंजॉय करो, तो ये काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये देखें, हाँ, ज़बरदस्त वेदर है जी, और यहाँ बारिश के भी चांसेस बताए जा रहे हैं, तो अच्छा एरिया यार, टूरिस्ट के हिसाब से बहुत बेस्ट है। ये देखें रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं, ये ओपन में आप बैठ सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं ओपन में, ये ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और ये देखें रेस्टोरेंट भी अच्छे खासे बने हैं, आगे कवर्ड भी एरिया और ये ओपन भी है, आप यहाँ बाहर भी बैठ के खा सकते हो, अंदर भी बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। ये नाहौर करके एरिया है, यहाँ पे जो लेक है उसका नाम भी नाहौर है, यहाँ पे ये एक अच्छा पॉइंट है, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, मस्त विज़िट है ये भी जगह। और मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं, जो बाई बस आते हैं या फिर प्राइवेट कार पे आते हैं, तो ये पॉइंट पे सारे आके रुकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ से देखें बैठना है, और ये जहाँ जहाँ पे ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ना आपको, यहाँ तक ये जाना है, और एक में मैक्सिमम चार बंदों को ये अलाउ कर रहा है, और 10 मनात ले रहा है चार लोगों के लिए, तो आप एक साथ बेशक चार लोग बैठ जाओ या एक दो लोग बैठ जाओ, आपकी मर्ज़ी है, तो पूरी बोट के 10 मनात हैं, तो ये पूरा राउंड आपने लेना है ऐसे जाके, आप यहाँ से वापस आना है। टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं सोफ़ा टाइप की, ये पहले नहीं थी, अभी ये भी आ गई हैं, तो लेक के किनारे भी आप बैठ के खाना वाना खाएँ और साथ में आप लेक का व्यू इंजॉय कर सकते हैं। और ये देखें जी वेदर, तो बेसिकली आपके यहाँ आने के जो पैसे हैं काफ़ी हद तक यहाँ वसूल हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यू और ये वेदर और ये सारी चीज़ें हैं, और फिर यहाँ पे इस तरह की ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, आप कुछ बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सिस्टम चल रहा है, और ये देखें फ़ोटो शूट करने के लिए, आई एम श्योर इसके भी ये पैसे लेगा। हाउ मच फॉर फोटो? 1 person 1 manat। तो ये बेसिकली 1 manat लेगा, और आप यहाँ पे हार्ट में जाके फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह ये देखिए बच्चों के लिए छोटी छोटी साइकिल वगैरह हैं, ठीक है, और ये बोट है, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो 3 साल पहले जब मैं आया था तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ नहीं थी, इतना ज़्यादा रश या इतनी हलचल नहीं थी, अभी काफ़ी ज़्यादा हलचल हो चुकी है, और अभी क्योंकि समर वेकेशन चल रही है तो रश भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं।
तो यहाँ पे जी एक ये थोड़ी हाइट पे जा रही है और एक ये, अभी इसको देखते हैं कि ये एक ही है या अलग अलग है, तो इसका चेक करता हूँ मैं टिकट वगैरह क्या है। 22 मनात में आप दोनों केबल कार, ये नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, ये थोड़ी नीचे रहती है और वो ज़्यादा हाइट पे जाती है। तो क्या है कि 22 में आप दोनों केबल कार 30 मिनट या 40 मिनट आप जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। ये आ गई है जी, अभी इसमें बैठेंगे। किलोमीटर है बाकू से गबाला, अगर आप प्राइवेट कार में आएंगे तो कोई आपको 3 घंटे लग जाएंगे, अगर आप बस पे आओगे तो 4 से 4.5 घंटे लग सकते हैं। बाय बस भी आप बाकू से गबाला आ सकते हैं, 4 से 4.5 घंटे लगेंगे आपको। और जो बस की फीस है, जो टिकट है, वो 15 मनात का है। और अगर आप टैक्सी करा के आएंगे, स्पेशल टैक्सी आने जाने की, फुल डे ड्राइवर आपके साथ रहेगा, तो इसमें क्या है कि 200 मनात जो है आप पे करेंगे, तो ड्राइवर जो है आपके साथ रहेगा फुल डे, आपको जो भी यहाँ की मेन अट्रैक्शंस हैं वो आपको विज़िट कराएगा और फुल डे आपके साथ रहेगा, और बाकू उसे लेके भी आएगा और बाकू वापस भी लेके जाएगा। आने जाने का सारा जो भी पेट्रोल है वो उसका ही होगा, तो 200 मनात आपसे लेगा वो। और इसमें क्या है कि आपका टाइम बच जाता है और आप जहाँ मर्जी, आपने भी, आपकी प्राइवेट कार होती है, आप जहाँ मर्जी स्टे कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से गाड़ी को चला सकते हो। और दूसरा ये सबसे अहम चीज़ ये है कि टाइम बच जाता है आपका, आपके 3 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के। अगर आप बस में जाओगे तो 4.5 घंटे आने के, 4.5 घंटे जाने के, लेकिन वो 15 मनात का टिकट है। और फिर यहाँ भी ऐसा है कि अगर आप गैदरिंग में हो, ग्रुप में हो, 4-5 लोग 6 लोग 7 लोग, तो आप फिर बेटर है कि आप एक गाड़ी करा लें और आप गाड़ी में जो है आपका टाइम भी बच जाएगा और आप ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं।